हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शॉर्ट एंड डिक्टेशन। प्रतिदिन इस प्रकार के डिक्टेशन पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी शॉर्ट एंड डिक्टेशन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की डिक्टेशन है 100 शब्द प्रति मिनट की गति से और यह डिक्टेशन दीपक प्रकाशन की बुक से लिया गया है। यह डिक्टेशन दीपक प्रकाशन की बुक में भारत सरकार श्रम मंत्रालय प्रश्न पत्र 1987 में दिया हुआ है। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। मैं इस बिल का समर्थन विशेष रूप से इसलिए करता हूँ कि इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई है जिनका उल्लेख बिल के उद्देश्यों में किया गया है। इस बिल में ऐसी मोटर गाड़ियों पर कर बढ़ाने का प्रावधान है जिनका प्रयोग बड़े आदमी करते हैं या उनके द्वारा करवाया जाता है, लेकिन जिस मोटर गाड़ी को एक अपाहिज या कमजोर वर्ग का आदमी चलाता है उस पर कर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह एक अच्छी परंपरा है और इससे हमारी महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी और हमारी सरकार को समाजवादी समाज की स्थापना करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। दिल्ली में सड़क कर की वसूली एक विशेष कार्यालय द्वारा की जाती है। वह खर्च करने के बाद बची धनराशि को दिल्ली निगम आदि को दे देता है। वे सड़कों की मरम्मत पर और दूसरी सुविधा देने पर इसको खर्च करते हैं और यही इस राशि का एकमात्र लक्ष्य होता है। पैरा अध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से एक बात दिल्ली के बारे में कहना चाहता हूँ। यहाँ पर भारत सरकार के कार्यालय और दूसरे देशों के दूतावास हैं। बड़े बड़े अमीर लोगों की कॉलोनियों की सड़कें बहुत अच्छी हालत में हैं, लेकिन पुरानी दिल्ली और देहाती इलाकों में यदि सड़कें पर दृष्टि डाली जाए तो बहुत ही खराब हालत है। दिल्ली ऐसा शहर है जो पूरे देश का हृदय है। यह भारत की राजधानी और एक बड़ा नगर है। यहाँ हर साल लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जिसके कारण नई बस्तियों और कॉलोनियां बनती जा रही है। आप उन कॉलोनियों में जाकर सड़कों की हालत देखें, वहां की हालत बहुत खराब है जिसकी तरफ सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में मैं कुछ सुझाव इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन सुझावों पर विचार करके दिल्ली में मोटर गाड़ियों के मालिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं देने की व्यवस्था की जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि सड़कों की हालत जहां जहां खराब है वहां उनको जल्दी ठीक किया जाना चाहिए जिससे कि मोटर गाड़ियों को कोई नुकसान का सामना ना करना पड़े। पैरा जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, किसी भी दिन आप उस दफ्तर में चले जाएं, वहाँ आपको बहुत अधिक संख्या में लोग नज़र आएंगे। एक आदमी को छोटे छोटे कामों के लिए कई बार परेशान किया जाता है और उसकी बात को सुना नहीं जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि
इस लाइसेंस प्रणाली में सुधार लाया जाए जिससे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। पैरा, बहुत से लोग करों की चोरी भी करते हैं। ऐसे लोगों की देश में कमी नहीं है। इन लोगों के खिलाफ आपको उचित कार्यवाही करनी चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। स्टॉप।